हेलो दोस्तों, आज हम राउंड शेप ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो मैंने इसे फोल्ड करके रखा हुआ है, अब हम निशान लगाएंगे। तो पहले हम इसमें शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर मैंने यहाँ पर 6.5 इंच रखा है। 6.5 इंच पर हम इसके आर्म होल का निशान लगा देंगे इस तरह से, और एक बॉक्स तैयार कर देंगे 6.5 इंच का। अब यहाँ हम फ्रंट कटिंग कर रहे हैं, अंदर तक ले लेंगे 1/2 इंच। तो पहले हम जो हमने गोलाई करी है उस पर निशान लगाएंगे। तो हमें इसे इस तरह से राउंड शेप दिया, तो ये हमारा आर्म होल का शेप बन गया इस तरह से। अब आएंगे हम अंदर की तरफ। अंदर की तरफ 1/2 इंच लेना है और एक सीधी लाइन खींचनी है इस तरह से, और इसे भी हम राउंड शेप देंगे इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया, ये हमारा बैक हो गया। जब हम इसकी कटिंग करेंगे नीचे तो हल्का सा डाउन कर दें, जिससे कि हमारे आर्म की जो फिनिशिंग आएगी वो अच्छी आएगी, और सिलने के बाद तो बहुत ही परफेक्ट आती है। अब आएंगे हम चेस्ट पर। तो मैं इसे 42 इंच का बना रही, तो 10.5 पर निशान लगाऊंगी। मार्जिन 2 इंच बढ़ाया है, आप चाहो तो ज़्यादा भी रख सकते हो। और कमर 38.5 पर लगा देंगे, निशान उतना ही रख लेंगे। मार्जिन के लिए कपड़ा उतना रख लेंगे जितना हमने ऊपर रखा है 2 इंच। तो ये हमारा फिटिंग का हो गया और ये हमारा मार्जिन का हो गया। अगर हमारा ब्लाउज लूज और टाइट होता है तो हम इसी के अंदर ब्लाउज को सही कर लेंगे। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आएंगे हम नेक पर। नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ 2.5 इंच रखी है, लेंथ 6 इंच रखी है, आप ज़्यादा भी रख सकते हो लेंथ इसकी। आप इसमें इस बॉक्स अंदर कोई भी शेप दे सकते हो, तो मैं इसमें गोल शेप दे रही हूँ इस तरह से। और यहाँ से हम शोल्डर को डाउन कर देंगे 1/2 इंच। ये सब कंप्लीट होने के बाद अब आएंगे हम बस्ट पॉइंट पर। तो यहाँ से मैंने 10.5 पर निशान लगाया है, और यहाँ से हम बेल्ट का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। 3.5 हमने यहाँ से लिया फ्रंट की तरफ से। अब इन दोनों पॉइंट को मैं इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, तो एक सीधी सी लाइन बनकर तैयार हो जाएगी ये इस तरह से। तो ये हमारा नीचे का बेल्ट हो गया। अब आएंगे हम राउंड शेप देंगे इसे। तो हमने यहाँ से आर्म होल की तरफ से 1 इंच पर निशान लगाया है। तो पहले मैं यहाँ डॉट डॉट करके निशान लगा दी। इस तरह से तो अब हम इसे पक्का कर देंगे। इस तरह से मैंने इसे पक्का कर दिया। ये सब कंप्लीट होने के बाद अब आएंगे हम यहाँ पे बस्ट अपना पॉइंट डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पर निशान लगाया और 1 इंच हम यहाँ से लेंगे, सॉरी 1.5 इंच, 1.5 इंच हम दूसरी तरफ से भी ले लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, तो क्रॉस में करना है हमें इस तरह से। और हमें ये नापना है कि दोनों पॉइंट हमारा बराबर है या नहीं है। तो इंच टेप से हम इसे नापेंगे तो हमारे 3.5 इंच आया। 3 इंच हम यहाँ से भी नापेंगे तो 3 इंच हमारा यहाँ आ रहा है, जो हम इसे हल्का से इस तरह से बराबर कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है राउंड शेप की ड्राफ्टिंग। अब आएंगे हम कटिंग पर। तो पहले हम इसमें आर्म होल कटिंग करेंगे, जो हमने अंदर की तरफ लिया था ना वही कटिंग करेंगे। और काटते समय हमें हल्का सा डाउन कर देना नीचे की तरफ, जिससे हमारे ब्लाउज जो फिनिशिंग आएगी अच्छी आएगी। यहाँ से हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। ये जो हमने लाइन खींची थी इसे हमें नीचे तक थोड़ा सा लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये हो गया राउंड से ब्लाउज की कटिंग। और ये जो पफ डालेंगे, आप चाहो तो इसको कटिंग करके अलग भी कर सकते हैं इस वाले को, और यहाँ हमें सिलाई भी कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा पफ बनकर तैयार हो जाएगा।
तो मैं इसे कटिंग कर दे रही हूँ इस तरह से। तो ये हमारा वेस्ट है। इसे भी चाहो तो आप इसे काट कर निकाल सकते हो, या तो ऐसे करके ऐसे ही सिलाई कर सकते हो इस तरह से, ऐसे बन के आएगा। तो मैं इसे भी कटिंग कर दूंगी। अब आएंगे हम सिलाई करने पर, तो मैं इसे सिल के आपको दिखाऊंगी किस तरह से हमारा ये ब्लाउज राउंड से ब्लाउज बनकर तैयार होता है। तो मैं इस तरह से सिलाई करने जा रही हूँ मशीन पर। दोस्तों इस तरह से मैं राउंड से ब्लाउज तैयार हो गया सिल के, मैंने इसमें सिलाई सिला दिया है। तो यहाँ से हमारी ये डॉट बनकर तैयार हो गई, ये मैंने बेल्ट लगा दिया है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट राउंड शेप ब्लाउज बनकर तैयार हो गया। ये कपड़े पर बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। आप भी बनाना लेंथ के अनुसार कपड़े पर इसे। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी करना।